क्षेत्र के शहरोज मोड़ के पास स्थित रिप्रीडी दुनिया के पास खड़े एक धान लदे डीसीएम से 318 पेटी में रखा 10,200 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता मिली है। मौके पर वाहन के ड्राइवर व खलासी फरार हो गए, जबकि वाहन पर दो तरह का नंबर प्लेट पाया गया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर डीसीएम व अवैध शराब कब्जे में ले लिया है तथा मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बुधवार के दिन क्षेत्राधिकार घोसी अजय विक्रम सिंह ने पकड़े गए अवैध शराब का खुलासा करते हुए बताया कि थानाध्यक्ष व स्वॉट टीम प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र के दाढ़ी तिराहे पर मंगलवार की सायं चेकिंग कर रहे थे। थोड़ी देर में एसआई गंगा राम बिंदु एसओजी प्रभारी अमित कुमार मिश्र भी अपने हमराहियों के साथ पहुंच गए तथा अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम पर बातचीत करने लगे। इसी बीच आबकारी निरीक्षक मऊ विमलेश कुमार यादव व आजमगढ़ क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह भी वहां पर पहुंच गए तथा बातचीत में शामिल हो गए। तभी एक व्यक्ति ने आकर बताया कि रिवरीडी पुल के पास एक डीसीएम खड़ा है जिसमें कुछ संदिग्ध सामान लदा है। सूचना पाकर पूरी टीम वहां पहुंच गई तो काला तिरपाल लगा हुआ एक डीसीएम खड़ा मिला, जिसके आसपास ड्राइवर व खलासी भी नहीं थे। थोड़ा इंतजार के बाद तिरपाल हटाकर पुलिस ने चेक किया तो उस पर धान के बोरे लदे थे। जब बोरों को हटाया गया तो उसके नीचे शराब की पेटियां दिखाई दिया। शराब की पेटियां खोली गई तो वो अंग्रेजी शराब निकली। पुलिस ने कुल 318 पेटियों में रखी 10,200 बोतल नाजायज अंग्रेजी शराब बरामद किया, जबकि 65 बोरी धान की भूसी भी उन पेटियों के ऊपर रखा मिला। डीसीएम पर दो तरह का नंबर प्लेट मिला है। इस दौरान वाहन का ड्राइवर या शराब का मालिक कोई भी सामने नहीं आया। पुलिस ने डीसीएम व अवैध शराब बरामद कर आबकारी एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम कर मामले की छानबीन कर रही है। ये जैसे नंबर, अगर इसका अगर हम नंबर देखें, चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आधार पर जो गाड़ी मिली है तो उसका नाम पता जो वो गुजरात आनंद के उसमें है, जिसमें कि उसका वाहन के स्वामी जगदीश भाई के नाम से ही वो पंजीकृत। कहाँ पकड़ी गई गाड़ी? ये जो रेबिलिटी पुल है यहाँ पर चट्टी, यहाँ पर ये पकड़ी गई है, खड़ी मिली थी अज्ञात, उसमें कोई वाहन स्वामी नहीं था, कोई चालक स्वामी। 4 बजे शाम को, 4 बजे सर अगर देखा जाए तो आबकारी विभाग जी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, क्या रीजन है? देखिए आबकारी विभाग और हमारी जनपद पुलिस इसमें देखिए लगातार जो है वो अपना जो गश्त और चेकिंग के माध्यम, वाहन चेकिंग के माध्यम से करती रहती है, लेकिन चूंकि समय समय पर हमको बड़ी सफलता मिलती है, प्रत्येक थाने पर हमने देखा है एक्साइज विभाग के सहयोग से हम लोग उसमें चेकिंग करते हैं, उसमें मिलती है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो है इसमें बिल्कुल एक्साइज विभाग नाकाम है, हम लोग सभी मिलकर इस अवैध शराब के प्रति जो है वो अभियान चलाते हैं, जिसमें सीओ उसमें उसका जो है पर्यवेक्षण अधिकारी और एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर हम समय समय पर उस पर अच्छी तरह से चेकिंग कराते हैं।